तो ये है हमारी बड़ी तैयारी। आप जानते हैं वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब देश को नतीजों का इंतजार है। नतीजों का इंतजार मतलब एग्जैक्ट पोल का इंतजार है, लेकिन उस एग्जैक्ट पोल से पहले एबीपी न्यूज पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एग्जिट पोल का आंकड़ा। वो एग्जिट पोल जिससे आपको तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार इस बार 24 चुनाव में देश में किसकी बनने जा रही है सरकार। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ देश के पावर सेंटर में। राजधानी दिल्ली है, लुटन जोन है ये, यहाँ नॉर्थ ब्लॉक भी है, साउथ ब्लॉक भी है, यहाँ चमचमाती हुई सड़कें हैं, यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें हैं, यहाँ राजपथ है और साथ ही साथ वो है नई संसद की बिल्डिंग। ये वही मंजिल है जो इस वक्त देश के हर उस नेता की है जिसने चुनाव मैदान में उतर कर इस बार अपनी किस्मत आजमाई है। और ऐसे में अब जल्दी से आपको दिखाते हैं जो तैयारी हमने की है यहाँ इस पावर सेंटर में। ये देख रहे हैं आप वो बड़ी स्क्रीन। इस बड़ी स्क्रीन के जरिए, जॉइंट स्क्रीन पर हम आपको बताएंगे किस राज्य का डेटा सबसे पहले आएगा। और अभी जैसा कि आपने देखा इस जॉइंट स्क्रीन पर एग्जिट पोल का इंतजार हो रहा है। इतना ही नहीं, वो तमाम सवाल जो इस वक्त आपके मन में है, क्या अब की बार एनडीए 400 पार या फिर इंडिया गठबंधन ने किया है जो बड़ा दावा। इंडिया गठबंधन 295 पर वो होने वाला है। आंकड़ा क्या कह रहा है एग्जैक्ट पोल से पहले एग्जिट पोल का आंकड़ा दिखाने की जो हमारी तैयारी है ये है वो डेटा यूनिवर्स। और इसी डेटा यूनिवर्स से एबीपी न्यूज पर आज के एग्जिट पोल का हर बड़ा आंकड़ा राज्य के हिसाब से मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। ये देखिए आप इस तरीके से स्क्रीन पर यहां पर जहां आप अभी हैशटैग एग्जिट पोल देख रहे थे ऑन एबीपी। और देखिए पहला रुझान आने में फिलहाल आप देख रहे हैं 25 मिनट के करीब का वक्त बाकी है, क्योंकि एबीपी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल है और आप जानते हैं 6:30 बजे से पहले जो एग्जिट पोल है उसका आंकड़ा नहीं दिखा सकते हैं। जो नियम है उसी का पालन करते हुए ठीक 25 मिनट 43 सेकंड के बाद एबीपी न्यूज पर एग्जिट पोल का वो पहला आंकड़ा यहीं इस डेटा यूनिवर्स से देखेंगे आप मेरे साथ। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं शीरीन के पास। तो पहला रुझान एग्जिट पोल का वो पहला आंकड़ा हम आपको जिस तरीके से दिखाएंगे। और उससे पहले एक बड़ी खबर बता दें आपको, 7वें चरण का मतदान खत्म हो चुका है। अब सिर्फ वो लोग ही वोट डाल पाएंगे जो कतारों में लगे हुए हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने शाम 5 बजे तक वोटिंग के आंकड़े भी जारी कर दिए हैं। और बड़ी खबर आंकड़ों से जुड़ी हुई, 57 सीटों पर 5 बजे तक 58% वोटिंग हुई है। तो 2024 का चुनाव खत्म हो गया है, थोड़ी देर बाद एग्जिट पोल का आंकड़ा भी होगा, लेकिन आप अब 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज जान लीजिए। 58% वोटिंग ओवरऑल 57 सीटों पर, आखिरी चरण फाइनल फेज पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई, 70% वोटिंग यहां पर हुई है। बिहार में सबसे कम मतदान 49% आखिरी चरण में, हिमाचल की 4 सीटें थी, 67% वोटिंग वहां पर हुई है, 5 बजे तक का आंकड़ा है। आपको बता दें कि फाइनल आंकड़ा आना भी बाकी है। झारखंड में 68% मतदान हुआ है और ओडिशा में 5 बजे तक 62% मतदान, पंजाब में यह आंकड़ा 55% का है। तो ये 5 बजे तक का आंकड़ा, जब पूरा आंकड़ा आएगा वो भी आपको बताएंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।